देश की राजधानी दिल्ली में आग की घटनाएं थम नहीं रही हैं और हर दिन कोई ना कोई घटना सामने आ रही है। वहीं गुरुवार को साउथ वेस्ट दिल्ली के पालम इलाके में एक मकान के बेसमेंट में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मकान में एक महिला अपने दो बच्चों के साथ मौजूद थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे दो पुलिसकर्मियों ने जान पर खेल करके महिला व उसके दो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला है, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस घटना का वीडियो ट्वीट किया है और वारदात पालम थाने इलाके की है और यहां शाम करीब 4 बजे इमारत के बेसमेंट में आग लग गई थी और आग से बचने के लिए महिला अपने दो बच्चों को लेकर के मकान के 4th मंजिल पर चढ़ गई और बालकनी से आवाज लगा करके लोगों से सहायता मांगने लगी और इस दौरान आग की सूचना मिलते ही पालम थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राम निवास और कांस्टेबल मनोज मौके पर पहुंचे और महिला को और बच्चों को बचाया है, जिसमें सुने मनोज सी DCP साउथ वेस्ट दिल्ली व पारसनाथ वर्मा SHO पालम गांव थाना व राम निवास हैंड कांस्टेबल और मनोज कांस्टेबल को। शुरू कर लो सर। ये जो पालम में आग लग गई थी और हैंड कांस्टेबल ये का जान किस तरीके से बचाया, उसको हॉस्पिटल ले गया और क्या था पूरा? 18 तारीख को शाम को 4 बजे हमारे पास एक PCR कॉल मिली है। रेजिडेंशियल ब्लॉक है सद नगर पालम में, कुछ लोग फंसे हुए थे। तो ये कॉल मिलते तुरंत हमारे पास कमांड रूम से भी फ़ोन आई थी और SHO के पास भी फ़ोन आए थे और स्टाफ के पास भी फ़ोन आए थे। हमारा 2 MPV की स्टाफ थे, वो तुरंत ये कॉल मिलते ही मौके पर पहुँचा और अंदर जाके इन्होंने इनकी जान भी बचाए थे, एक लेडी और उनकी 2 बेटियाँ की। और हमारा साथ में ये मौजूद है, दोनों कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल है, इन्हीं से आप एक बार पूछ लीजिए प्लीज। सर, जिस तरीके से ये दोनों इतना अच्छा काम किए, किस तरीके से लोगों का अवार्ड का आपको कर रहे हैं? इनके हम रिवार्ड प्रपोज कर रहे हैं, अच्छे जो बेस्ट ऑफ द रिवार्ड्स है वो मिलेंगे इनकी और इनकी आगे मोटिवेट करने के लिए भी हम ये सभी के सामने इनकी रिवार्ड करवाएंगे। दिल्ली पुलिस बिल्कुल बिल्कुल। अमूमन SHO का ट्रांसफर आ जाता है, मगर आप फिर भी आपकी ट्रांसफर आ गई, मगर आप थाने में थे, आग लगे तुरंत आप पहुंचे, इस तरीके से आपके स्टाफ ने 3 लोगों की जान बचाई। मैं थाने में मौजूद था, कमांड रूम से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आग लग गई है पाल फैक्ट्री, और तो फैक्ट्री का नाम आते मेरे दिमाग में एक मुंडका का इंसिडेंट रिपीट हुआ और उसमें आदमी फंसे हुए हैं। मैंने बिना टाइम गवाए मनोज से बात कौन सी ये तो पता चला कि मेरी जेबरा 2-1 है, मौके के लिए ऑन रूट हो गए। जो भी थाने में स्टाफ थे जल्दी जल्दी उनको अपनी गाड़ी में डाला और एक वहाँ पे बुध बाज़ार लगता है तो पता ही वीकली मार्केट में भीड़ हो जाती है, वही रास्ता था जाने, तो मैंने तुरंत स्टाफ को जैसे VIP रूट पर हम लगाते हैं क्योंकि रूट का एक बहुत अच्छा अनुभव है, यहाँ रूट ड्यूटी काफ़ी देते हैं, दिमाग में आया और हमने तुरंत एक तरह से रूट लगा दिया तो जिससे फायर ब्रिगेड को आने में दिक्कत न हो, और मार्केट को पीछा कराया। फायर ब्रिगेड 3 गाड़ी और 2 एम्बुलेंस आ गई थी। जब तक मैं पहुंचा तो ये लोग अपने बिना कोई मतलब निर्देश के अंदर पहुंच चुके थे और मुझे भी जब कमांडो में DCP साहब ने कोई फ़ोन पे डिस्टर्ब नहीं किया, उनका विश्वास था कि ये लोग अच्छे तरह से कर लेंगे और सच में जब बाद में जब हमने रिजल्ट देखा तो अपने हमारे स्टाफ पर बहुत गर्व महसूस हुआ। कितना अच्छा लगता है, पहली बात है काम करे सैनिक और नाम कप्तान का तो अच्छा तो लगता है, बींग ए कैप्टन ऑफ माई पुलिस स्टेशन, और जिस तरह से DCP साहब को हम पे गर्व है मुझे अपने स्टाफ पे गर्व। सर, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, वी आर बाउंड टू डू अवे आवर ड्यूटी, और ड्यूटी थी और इसलिए हम पहुँचे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कॉन्स्टेबल मनोज कुमार, PS पालम विलेज पोस्टेड। कब भर्ती हुए थे? मैं 2010 में भर्ती हुआ सर। 3 जिंदगियां बचाए, किस तरीके से आप रिस्क लेके, और आपकी ड्यूटी शायद ख़त्म हो गई थी, बताया? मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी सर, की ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी तभी हमारे पास कॉल आई, हम मौके पर पहुंचे 1.5 मिनट में, हमने देखा आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, आग लगने का मैं आग बुझाने लग गया, मेरे साथ हेड कांस्टेबल राम निवास साहब थे, ये ग्रिल से चढ़ के ऊपर बचाने लग गए थे, मैंने नीचे आग पर काबू किया, साहब ने
तीन बच्चों दो बच्चों को और उनकी मम्मी को लेकर ऊपर चले गए। कितनी खुशी होती है तीन दिन की आपने? बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आप जिस वक्त आग बुझाने में लगे हुए थे वहाँ पर जो है आम पब्लिक एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिस तरीके से लोग जो वहाँ के आम जनता जो है दिल्ली पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, क्या मानेंगे आप? मैं उनको बहुत अच्छा मानूंगा जिन्होंने हमारी वीडियो वायरल की है, हमारा भी हमारे साथ भी दिया है उन्होंने, कुछ लोगों ने हमारा साथ भी दिया है। मेरा नाम हेड कांस्टेबल रामनिवास स्वामी है, मैं पालम थाने में पोस्टेड हूँ। 18 तारीख को लगभग 4 बजे की बात है, जब कांस्टेबल मनोज और मेरी ड्यूटी आपस में चेंज होने वाली थी, उसी दौरान हमें कॉल मिली कि आग लगी हुई है। तो विद इन 1.5 मिनट हम लोग मौके पर पहुँच गए। मौके पूछने पर देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी हुई थी बुरी तरह से, और जो सीढ़ियों का रास्ता था उसमें आग धधक रही थी, तो वहाँ से एंटर करना पॉसिबल नहीं था। तो उसी टाइम मनोज ने एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ था बिल्डिंग में, उसको देखा और फटाफट उतार के और उस पर काम चालू कर दिया। इसी दौरान मैंने देखा कि इधर से चढ़ना मुश्किल है और ऊपर से दो बच्चे और लेडीज़ की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी ज़ोर ज़ोर से, तो उसको देख के थोड़ा मैं भी घबरा गया था, लेकिन उनको बचाने की जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर थी, मैं पीछे बिल्डिंग के पीछे की तरफ गया जहाँ ग्रिल लगी हुई थी, और धीरे धीरे करके एक फ्लोर दो फ्लोर ऐसे करके मैं टॉप फ्लोर तक पहुँच गया। टॉप फ्लोर में पहुँचने के बाद मैं जीने के साइड से नीचे आया उनके फ्लोर में, और वहाँ बिल्कुल धुआं था और बच्चे और लेडीज़ चिल्ला रहे थे। हमें लग रहा था कि ये इनके कुछ हादसा ना हो जाए, क्योंकि वो लेडीज़ अपने आप को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए अपने आप का नुकसान भी कर सकती थी। तो मैं उनके पास पहुँच गया, फिर फ्लोर में से उनको मैं अपने गोद में उठाया, बच्चों को लेडीज़ को बोला कि आप मेरे पीछे आ जाओ, फिर उनको मैं टॉप फ्लोर पे ले गया। जब तक मनोज ने आग पे लगभग काबू सा कर लिया था, और लगभग 1.5 घंटे में आग पे काबू गया, जब तक मैं छत पे लेके उनको खड़ा रहा। आप दिल्ली पुलिस में कब भर्ती हुए थे और किस तरीके के मन में आया और आपने काम किया? सर, मैं दिल्ली पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल 2010 में भर्ती हुआ था और 2020 में हेड कांस्टेबल बन गया था। तो किस तरीके से आपको अपने रिक्स पर लेके काम किए? सर जो पुलिस की जिम्मेदारी होती है, जो हमारे सीनियर अफसर्स हैं, एसएचओ साहब हमें ब्रीफ करते रहते हैं, डीसीपी साहब भी हमारे पास आते हैं, उन्होंने ब्रीफ करते हैं कि हमें कैसे भी करके पब्लिक की जान बचानी है खुद को सेफ रखते हुए। तो बस दिमाग में यही बात थी, और हमें लग रहा था कि काश अगर ऐसी घटना हमारे बच्चों के साथ होती तो क्या हम नहीं बचाते? तो हमारे बच्चों का एक माइंड में आइडिया है कि भाई चलो ये भी हमारे बच्चे हैं, हमें बचाना चाहिए और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते थे। तीन जिंदगी बचाएं, कितना गर्व महसूस करते हैं? सर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। उस टाइम तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उनको बचा पाऊँगा या मैं खुद भी बच पाऊँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आग लगी हुई थी और धुआँ था कि सांस लेना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। लेकिन एक दिल में मादा था कि मुझे कैसे भी करके मैं पुलिस में हूँ, और पुलिस की एक जिम्मेदारी होती है किसी भी तरह से लोगों की ज़िंदगी बचाना है, चाहे बेशक अपनी जान की रिस्क क्यों ना हो। राजधानी दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।